स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले बैक पार्ट्स कट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लंबाई लेंगे, 13 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच इस तरह से। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 6 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लीव 8 इंच की बनानी है, तो यहाँ पे हमने आर्म होल को 6 इंच पे लिया है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। चेस्ट 32 इंच है, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे 34 आएगा, 34 का आधा करेंगे, 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का नाप लगाएंगे। वेस्ट 28 इंच है, 2 इंच प्लस करेंगे 30 इंच आएगा, इसमें 30 का आधा 7.5 होगा, 1 इंच डार्ट प्लस करेंगे, तो 8.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, 2 इंच पे यहाँ हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस तरह से अब लाइन को मिला देंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसका आधा करेंगे और यहीं से हमें आर्म होल का गोलाई देना है, तो इस तरह से यहाँ पे शेप देंगे, ये देखिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर को हमने यहाँ पे बिछाया है और बैक पार्ट्स को इस तरह से रखेंगे, और इसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से चौक से निशान लगा देना है, ये देखिए। इस तरह से यहाँ पे हमने निशान को लगा लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, ये देखिए। इस तरह से अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। इस तरह से यहाँ पे लाइन को हमने मिला दिया है। अब यहाँ पे हमें 0.5 इंच अंदर की साइड लेना है और इस तरह से स्केल लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसका 3 भाग करना है, तो इसे तरह से हम यहाँ पे 3 भाग करके निशान लगाएंगे और यहीं से आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और इसकी लंबाई हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बेल्ट पट्टी लेंगे 3.5 इंच पे और 1/2 इंच इस तरह से ऊपर लेते हुए यहाँ पे बेल्ट की हम गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर 2 बस्ट पॉइंट लेंगे 8.5 इंच पे इस तरह से। यहाँ पे डार्ट टू डार्ट 6 इंच है, इसका हाफ करेंगे 3 इंच पे आएगा, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इंची टेप को तिरछा रखना है और 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, ये देखिए। यहाँ पे हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से निशान लगा के स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अस्तर को फोल्ड करेंगे, ये देखिए, 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस साइड हमने ओपन रखा है, अपनी साइड हम बंद रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लीव की लेंथ लेंगे 8.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे चेस्ट का
चौथा भाग करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा इस तरह से। और यहाँ पे हम स्लीव का बॉटम रखेंगे 5.5 इंच पे। अब यहाँ पे हमें 3 इंच डाउन करना है इस तरह से, और यहीं से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई देंगे, ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे हम 0.5 अंदर की साइड इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे मार्जिन के लिए अस्तर कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा हमने 4 फोल्ड में लिया है और इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट की शेप दी थी इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ताकि हमें समझ में आता रहे ये फ्रंट साइड का है। इस तरह से हम यहाँ पे अस्तर को जोड़ देंगे, ये देखिए। अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने उल्टे साइड कपड़े को बिछाया है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट्स को रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हम अब स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को कपड़े पे रख करके कटिंग कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे भी हम कपड़े को भी 4 फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हमने जो जोड़ने के लिए पट्टी रखी थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे कपड़े पे रख करके इस तरह से, ये देखिए। हमने यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।